हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योगिक एंड मॉडर्न साइंस। फ्रेंड्स, आज हम गीता अध्याय 13 के 23वें श्लोक को लेंगे और ये 23वां श्लोक भी श्लोक 22 और 21 22 20 21 22 ये तीनों के आधार पर ही है और प्योरली ज्ञान योग के आधार पर है। तो हम इसको योगिक साइंस के एंगल से समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं श्लोक को पढ़ूंगा और फिर इसको मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूंगा योगिक साइंस के माध्यम से, जो हमारे तीन सिद्धांत हैं उसके माध्यम से, और उसके बाद आदरणीय शर्मा जी उसको एक्सप्लेन करेंगे अपने अनुभवों के आधार पर, और लास्ट में फिर मैं इंग्लिश में उसको ब्रीफ करूँगा। तो चलते हैं श्लोक 23वें की तरफ। फ्रेंड्स, 23वां श्लोक है, य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिजं च गुणे सह सर्वथा वर्तमानो अपि न स भूयो अपि जायते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य अलग अलग जानता है, वह सब तरह का बर्ताव करता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता। मैं फिर से पढ़ देता हूं। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य अलग अलग जानता है, वह सब तरह का बर्ताव करता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता। यदि इस सूत्र को हम योगिक विज्ञान के हिसाब से देखें तो भगवान पुरुष और प्रकृति की बात कर रहे हैं। प्रकृति, जैसा कि हम लोग जानते हैं, बाकी एपिसोड में भी हमने चर्चा की, प्रकृति गुण सहित है। बहुत सारे गुण है प्रकृति में। जो बेसिक गुण है, जो फंडामेंटल गुण है, वो सत रज तम है, तीन गुण है। तो गुणों के सहित पूरे प्रकृति को जानना, पूरे प्रकृति का अनुभव, जो कि जीवात्मा को हर पल होता रहता है अनुभवों के आधार पर, चाहे वो इंद्रियगत ज्ञान हो या अनुभवगत ज्ञान हो, बुद्धिगत ज्ञान हो, तो ये जो सारा अनुभव है, जो सारा ज्ञान है, वो प्रकृति का ज्ञान है और प्राकृतिक गुणों का। और क्योंकि प्रकृति के जो भी गुण हैं तीनों, वो आपस में बरत रहे हैं बहुत तरीकों से। गीता में पहले भी श्लोक में आया है चीज। तो एक तो इसका अनुभव तो होते ही जीवात्मा को, और दूसरा जीवात्मा को किसी तरीके से उस पुरुष का अनुभव हो जाए जो पूरे प्रकृति को कंट्रोल कर रहा है, जो चेतन शक्ति है, जो पूरे प्रकृति को चलाती है। और उस चेतन शक्ति की जो चार अलग शक्तियां हैं, शब्द है, प्रकाश है, उसकी अपनी शक्ति है और गति है, तो इसके माध्यम से यदि उसको पुरुष का ज्ञान हो जाए, तो पुरुष का और प्रकृति का अलग अलग ज्ञान हो जाए, तो अंत में उस जीवात्मा को उस मूल का ज्ञान हो जाता है। प्रकृति के अंदर तो सब काल्पनिक ज्ञान है, कल्प का ज्ञान जिसको हम कहते हैं, और यदि पुरुष का ज्ञान हो जाए, जो जो उसका ओरिजिन है, जिसके चलते उसको सारे अनुभव, सारी चीजें हो रही हैं, तो क्योंकि सारा जो सबका जो आदि कारण है वो पुरुष है, तो यदि उसको वो अनुभव में आ जाए तो उसको अल्प का भी ज्ञान आ जाता है। तो अल्प ज्ञान का मतलब हो गया, अल्प का ज्ञान का मतलब ये हुआ कि पुरुष की जो एक्टिविटी है प्रकृति के संबंध में, तो वो सारा परिणाम रहित है, उसका कुछ परिणाम नहीं है। पुरुष पूरा कार्य करता जा रहा है, चाहे वो उसकी गति कहीं पे तेज है, कहीं पे स्लो है, फिर कहीं पे वो मोड़ ले रही है, फिर रुक रही है, फिर तो उसकी वो जो भी गतिविधि है इनफाइनाइटली वो चल रही है, पर वो परिणाम रहित है। और क्योंकि इसका कार्य परिणाम रहित है, इसलिए हम उसको बोलते हैं कि अल्प, अल्प का ज्ञान। और प्रकृति के अंदर क्योंकि जो जो अनुभव है वो जीवात्माओं को हो रहा है, और वो सारे अनुभव काल्पनिक हैं, इस समय में है, क्योंकि अनुभव हो रहा है उसको। मगर बाहर पुरुष को कोई अनुभव नहीं है, सिर्फ कार्य है बिना अनुभव के। तो यदि जीवात्मा को अपना अनुभव तो हो ही रहा है, कल्प का ज्ञान तो है ही, अल्प का ज्ञान भी हो जाए उसको किसी तरीके से, तो वो उसको अपना ओरिजिन, जो ओरिजिनल नेचर है, वो उसमें चला जाता है। और एक बार वहां पे वो स्थापित हो गया तो जो काल्पनिक जगत है वो उससे अप्रत्यक्ष हो जाता है, और इसी को भगवान कह रहे हैं कि फिर उसका जन्म नहीं होता।
फिर अंदर के जो जो भी उसका कार्य था पहले जो काल्पनिक जगत में, तो वो सारा प्रत्यक्ष हो जाता है, फिर उसके फिर दोबारा उसके अंदर वो नहीं आ पाता। तो योगिक साइंस के माध्यम से तो हम ये सारे पॉइंट्स हम समझ सकते हैं इस सूत्र में। तो यदि गहराई से समझा जाए तो तीनों जो सिद्धांत हैं योगिक साइंस के, वो तीनों सिद्धांत यहाँ पे आ जाते हैं। मैं शर्मा जी से अनुरोध करूँगा कि इस सूत्र को अपने अनुभवों के आधार पर, योग की साइंस के आधार पर और भी गहराई से उसको एक्सप्लेन करें। जी सर, इसमें योगिक साइंस के आधार से देखें और अगर इसको थोड़ा और गहराई से एक बार नज़र डाल लेते हैं कि जब कोई अलग अलग जानता है, जब कोई जीव जो केंद्रित हुआ है वो इस प्राकृतिक के प्राकृतिक को, प्राकृतिक के गुणों को, प्राकृतिक के तत्वों को, मतलब सभी जीव सभी को, जितनी भी तामझाप प्राकृतिक में है इसको अलग अलग जानता है, प्राकृतिक के अंदर की बात कर रहे हैं। तो जब इनको अलग अलग जानता है तो इसका मतलब ये है कि वो एक विस्तार रूपी ज्ञान में चल रहा है, क्योंकि वो अलग अलग जानना, अलग अलग जानते 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 आप बिल्कुल या तो दूर चले गए और आपने खोज निकाला, तब भी आप बाहर निकल गए, तब भी आपको ज्ञान हो गया। तो खोज अपने से केंद्रित से खोजते चले गए आप, इसको बोलते हैं विस्तार का ज्ञान। तो विस्तार से अगर आपने जांच पड़ताल करी और जांच पड़ताल करके किसी भी पूजा पाठ से, किसी भी माइंड से, अंतःकरण शुद्ध अंतःकरण से आपने कैसे भी करी, अच्छे कर्मों से कैसे भी करी, तो आप बिल्कुल किनारे तक पहुंच गए और आपको ज्ञान हो गया और बाहर निकलते ही आपको, प्राकृतिक के बाहर निकलते ही आपको अपना ज्ञान हो गया। तो ये इसलिए वो जन्म मरण की बात करते हैं कि अलग अलग जानता है, वो जन्म उसका जन्म नहीं होता, मरण तो होगा मगर उसका जन्म नहीं होगा। मगर इसमें मैंने एक शब्द और बोला था कि ये किसी चीज को, जैसे 100 ग्राम दूध है उसे मैंने एक बहुत बड़े समुद्र में मिला दिया, मिक्स कर दिया, अब इसमें से 100 ग्राम दूध को अलग अलग कहीं से ढूंढ ढूंढ करके निकाल करके छांट करके 100 ग्राम इकट्ठा करना है। तो किसी चीज की छांटना, उसे अलग अलग करना, ये बहुत मेहनत का काम है। इससे मैंने एक दिन और बोला था कि अगर व्यक्ति अपने केंद्र में रहे और जो चीजें तामझाम आपके पास है इससे वो अगर उदासीन हो जाए, तो देखो वो उदासीन का मतलब ये सीधा ये होता है कि वो जब सब चीजों से उसकी जो है मन सब विमुख हो गया, हट गया तो नहीं रह गया, मगर जब विस्तार रूप में जब जाता है तो वो अपने आप को खो देता है, और जब उदासीन रूप में होता है तो वो उन चीजों से हीन, मतलब अलग, उनका कोई महत्व नहीं रह गया, उनसे हीन हो गया, उनका कोई महत्व ना करके अपने में सिकुड़ गया। तो फूलना या सिकुड़ना दोनों ज्ञान सही है, और ये जो अलग अलग जानना, ये जांच पड़ताल करी, ये विस्तार का ज्ञान है, और उदासीनता का भी ज्ञान ऐसा ही है। तो इनमें से आप कोई भी पकड़ोगे तो आप अंततः मूल में ही चला जाएगा। तो छांटना कैसे है ये चीज, या इसको अलग अलग कैसे जान पाओगे, ये कैसे काम हो पाएगा कि अलग अलग आपने जाना। अलग अलग कहना तो आसान हो गया, मगर अलग अलग जानना कैसे हुआ? तो अलग अलग जानने के लिए आपको बार बार अपने अंदर उस चेतन की चेतना को देखना पड़ेगा, और उसी चेतना को आपको बाहर जाकर के वह जहां पे अलग जान रहे हो वहां देखना पड़ेगा, इसका यहाँ पे क्या रूप लिया है, इसने है तो आपका स्वरूप मगर उसने रूप ले रखे हैं। जो रूप ले रखे हैं, जब तक आप इनको तरीके से नहीं जानोगे किसी चीज को, तो अलग अलग कह देना ठीक है मगर उसको जान पाना बहुत कठिन बात है, इतना जानना आसान नहीं है जितना कहा गया है। तो जब तक केंद्र से व्यक्ति इस तरीके का ध्येय कैसे आएगा, इनकी अपनी अपनी क्रियाएं हैं, अगर वो क्रियाओं से कर करके ये इसमें कामयाब हो जाता तो बढ़िया है,
और अगर नहीं होता तो सबसे अच्छा तरीका है कि जो सामान है उससे उदासीन हो जाओ, आप इनसे अलग ही रहो तो बढ़िया बात है। तो ये दो चीजें जो हम योगी साइंस में हमने बताई थी, पहले भी बताई, उस तरीके से ये श्लोक बिल्कुल सही है, क्योंकि ये श्लोक में वो गुणों से ये कह रहे हैं कि गुणों को अलग अलग जानता है। तो ये जो कल्प का ज्ञान आपने बताया, वो कल्प का ज्ञान यही है कि जहां पर हमें बहुत सारे ज्ञानों का ज्ञान होता है, ये किस चीज से है, पहले इसको बहुत मूल में आप पकड़ के देखो। जब कल्प का ज्ञान कैसे होता है, ये ज्ञान अनुभव कैसे होता, जब सामने वाले से हम प्रभावित हो या हम उसे प्रभावित करते, तब हम उसे कल्प कहते हैं, तब हमें कल्प का ज्ञान होता है। ये विस्तार का ज्ञान है, ये विस्तार का ज्ञान है, हमारे कल्प का ज्ञान है, तो ये हमारे अनुभव में आता रहता है। मगर जब हम किसी विस्तार वाली चीज को वहीं का वहीं छोड़ दें और हम वापस अपने में वापस आ जाएं, तो हम ये इस ज्ञान को कहते हैं अल्प का ज्ञान, कि अल्प की ओर कैसे आप गए। तो जो आप अल्प की ओर जब चले, तो हम उसमें कह रहे थे उदासीनता, कि जब उदासीनता रहती है तब व्यक्ति अल्प की ओर जाता है, और जब उसकी जांच पड़ताल करता है तो वो व्यापक की ओर जाता है, और उसको अलग अलग करके जानना बहुत बड़ी बहुत मुश्किल काम है, मुश्किल काम है, और इसमें कई जन्म भी लग सकते हैं, एक जन्म में हो सकता है नहीं होगा, मगर ये है कि बीज पड़ा है तो उगेगा जरूर, ये एक प्रकृति का सिस्टम है। तो सिस्टम में ये चीज देखनी पड़ेगी, और श्लोक जो है ये सही है योगिक साइंस के तरीके से। तो इसमें मुझे योगिक साइंस में ये इतना ही इस पे कहना है। ओके फ्रेंड्स, लेट अस समराइज द मीनिंग ऑफ दिस सूत्र इन इंग्लिश आल्सो। इफ वी अंडरस्टैंड दिस सूत्र वेरी केयरफुली, देन वी कैन अंडरस्टैंड with respect to the prakriti and with respect to the energy of consciousness, that is purusha. So once we have, we means the jivatma in the prakriti, so once the jivatma has the complete thorough understanding of his experiences, okay, with respect to the prakriti, okay, so this is one thing, this is one understanding, and he also has got the understanding of the purush. Purush means the pure consciousness, the energy of consciousness, right, which controls the whole prakriti. So if it gets that understanding also, then what happens, then he gets the complete understanding, the understanding about the experiences with respect to the prakriti and its attributes, and the understanding of the purush also, the activity of purush. Now what is the difference between the activity action of purusha and the action of jivatma within the prakriti? The action of jivatma within the prakriti is fruitful, it has its consequences, good or bad, okay, whatever consequences are there, but it is with consequences. So it is called the knowledge of time, and the action of purusha over the prakriti, it is fruitless, there is no consequence, it is pure action, pure action, you can say pure action without ashes, without any consequence, good or bad, there is no consequence. So that is why that is called pure action of purusha. So if the jivatma gets the complete understanding of both type of actions, its own action which is fruitful and the action of the purusha which is fruitless, which is without consequence, then ultimately the jivatma will be established
in its true nature. And once it gets established there in its true nature, then it won't be able to take next birth. Means the you can say the knowledge of Prakriti, all its experiences, okay, it will not be visible. Means he won't be able to take birth, okay, in the Prakriti, because there is no experience, worldly experience left, right? Because he has been established in its true nature now. So this sutra is very, very important. This shloka is very important as far as the establishment in its true nature of the multiple jivatmas are concerned. So any jivatma, if it gets the complete understanding of both the Prakriti and the Purusha completely, then ultimately it will realize its true nature, and it now there is no chance of next birth in the Prakriti, because it has got free from all the consequential experiences of the Prakriti. So that's it for today. And in the next episode, we'll take up the next sutra, shloka, and we will try to understand that sutra also from the yogic science point of view, and for the sake of pure understanding, supreme understanding. Thank you.